तो चलो फाइनली हमारे नयन भाई ने भी पहन लिया अपना जैकेट। सही लग रहा है गाइस, एकदम मस्त लग रहा है। आप तो ना एकदम जुड़वा जुड़वा लग रहे हैं, पता है। और भाई ने पूरा सूट ले लिया है। सो हे गाइस, तो कैसे हो सब लोग। तो गाइस आज हम लोग जाने वाले हैं बाइक देखने के लिए। तो गाइस बाइक जो है गाइस अपन लोग निंजा S2 भी देखेंगे, निंजा ZX10R भी देखेंगे, और गाइस हायाबुसा भी देखेंगे, और डुकाटी भी देखेंगे। गाइस मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में चल रहा हूँ कि गाइस मैं कौन सी सुपर बाइक लूँ। तो भाई आप लोग जो है कमेंट करना है नीचे कि कौन सी सुपर बाइक लूँ। तो गाइस आज मैं पहले दिन जो है जाने वाला हूँ यहाँ पे कि बाइक देखने के लिए। तो अभी फिलहाल के लिए आदर्श के रूम में सोया हुआ था मैं, और आदर्श सो रखा है अभी बाजू वाले रूम में। तो अपन लोग अकेले निकल रहे, सुबह के 8:30 बज रहे। तो भाई अलग ही लेवल का मजा आने वाला है इस व्लॉग में, आप लोगों को बहुत ही तगड़े तगड़े व्लॉग्स आने वाले। तो इस व्लॉग का लाइक है मैं 25,000 लाइक्स। अगर आप लोग इस व्लॉग को 25,000 लाइक्स कंप्लीट कर देते हो तो गाइज मैं यहाँ पे आप लोगों को आगे भी ऐसी सीरीज चालू रखूंगा। जितने भी मैं बाइक्स के शोरूम्स में जाऊंगा उतने सारे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप लोग अगर इंटरेस्ट दिखाओगे तो व्लॉग्स के ऊपर। भाई ने बोला करने का तो करने का व्लॉग्स देखने के लिए, क्योंकि आवारा भाई ने ऑलरेडी निंजा की बाइक बुक कर लिया और वो भी आ रहे हैं वहां पे। तो अपन भी आज बुक करेंगे, अगर निंजा S2 पसंद आई ना तो निंजा S2 ले लेंगे, ठीक है, भले बजट से बाहर हो मेरे, लेकिन गाइस ट्राई करेंगे लेने का। अगर आप लोगों ने तगड़ा वीडियो मतलब सपोर्ट किया तो ले ही लेंगे। अरे टेंशन नहीं लेने का, आप उन्हें होती है। तो अभी मैं जाने वाला हूँ और यहाँ से 1 घंटा रास्ता दूर है, तो वहाँ पे मुझे आवर भाई और आवेर मिलेंगे। अभी आदर्श तो सो रहा है, वो रात में ज्वाइन करेगा हम लोगों को गोगाटिंग के लिए। तो बहुत ही तगड़े तगड़े व्लॉग्स आने वाले हैं, तो फिलहाल के लिए निकलते हैं। मुझे तो रहा नहीं जा रहा 25,000 लाइक्स, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी करो भाई। ओके, यहाँ पे कावासाकी के शोरूम पे आ चुके हैं, और गाइस यहाँ पे आवारा भाई भी आ रखे, और आवारा भाई जो है गाइस वो देखो रास्ता क्रॉस करके आवारा भाई और भाभी के साथ में आ रहे हैं, लेके जो है कावासाकी के अंदर जाने वाले, क्योंकि गाइस अभी हमारा फ्लैट भी कंफर्म नहीं हुआ है कि भाई फ्लैट पे आना है। आवारा भाई भी अपने लगेज के साथ में आ रहे। कौन है वो कहां से वो आया। सो गाइस यहाँ पे अभी हम लोग हेलमेट लेने आए हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अपने कावासाकी बाइक के लिए। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ग्राफिक्स है, तो देखते हैं गाइस फिलहाल के लिए हम लोग ये भी देखेंगे, बजट में होगा तो आवर भाई ये भी ले लेंगे। आपके पास में ये है? मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है आपके पास? हेलमेट और वो है। मैं पहले हेलमेट ही लेता भाई, यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि भाई सारी चीजें खरीद लूं। शाबाश बेटा। मैम आपको क्या लग रहा है, क्या लेना चाहिए, कौन सा पसंद है आपको? आपके हाथ में जो है ना पहले वो पहनो उसके बाद। अरे यार इनको भाई ये भैया ने मुझे पहनने के लिए बोला है। और भाई तुम वीडियो लो एक बार मेरा, ये क्या है भाई, ये क्या सीन है, ऐसे पहनते ना, इसमें से मुंडी आएगा भाई, मैं चोर लग रहा हूँ ऐसा ही है ना। अच्छा भाई साहब गाइस चलो गाइस अब मैं चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। भाई ये तो घुस ही नहीं रहा, हक दिया थोड़ा जोर लगा भाई, हक दिया, चलो नीचे घुस गया भाई, मजा आया। साइज ओके, 2 मिनट इसको डाल के रखो। भाई ये तो मेरा मुंह तो पूरा ऐसा ऐसा हो रहा है, अभी तो निकल तो जाएगा ना। मैं निकालूं? नहीं पता लगे मुंडी से क्या। अबे सही में नहीं निकला, खत्म। मैं निकालूं नयन भाई? निकाल निकाल तू निकाल, मुंडी मत निकाल दियो नयन भाई की। चुको तो बहुत सारे लंबे हो भाई। भाई निकल गए। वाह मोदी जी वाह वाह। यहाँ पे फिलहाल के लिए हमें साइज देख रहे हैं, साइज ओके लग रहा है यहाँ पे, तो ग्राफिक्स देखेंगे अभी, ग्राफिक्स देखेंगे, ये साइज परफेक्ट है। इधर आना, ये गाड़ियों की डिक्की है क्या, ये क्या सीन है इसका, क्या सीन? ये वो जितने सामान रखते जाते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, वो बाइक पे लगा के रखा है, यूके ने भी लगा रखा है ऐसा कुछ। और गाइस यहाँ पे आप लोग मुझे कमेंट करना ये राइडर सूट कौन सा लिया, लेकिन ये बाद में लेंगे, फिलहाल के लिए हेलमेट जरूरी है। मैं बुलेट पे हेलमेट लग, भाई कैसा लग, कैसा रहा भाई, मैं वैसे तो चोर तो लग रहा हूँ एकदम पैदाशी। बात तो सही है। अपना ये जो हेलमेट है वो सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है, 10 लाख का हेलमेट ले लिया आवारा भाई मैंने। तो गाइस टाइटल, हाँ टाइटल में जो है गाइस 10 लाख का हेलमेट लिया है मैंने, और बाइक जो है अपन लोग लेंगे 20 लाख की। तो गाइस यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए माउंट करने के लिए गोप्रो लगेगा, गोप्रो भी आवारा भाई ने लाया है, गोप्रो का भी अनबॉक्सिंग करते हैं फिलहाल के लिए। अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें खरीदी है। आवारा भाई गोप्रो का है अपना? गोप्रो यार मेरा ना बैग में पड़ा है। तो अभी गोप्रो अनबॉक्सिंग करें, हाँ गोप्रो की अनबॉक्सिंग करके गाइस इसको यहाँ पे लगाना, और किस तरीके से बाइकर्स और ब्लॉगर्स मोटो ब्लॉगर्स जो है गाइस किस तरीके से हेलमेट पे गोप्रो माउंट करते वो भी दिखाऊंगा गाइस आप लोगों को। फिलहाल के लिए कुछ चीजें यहाँ पे आनी पड़ेगी इसकी हेलमेट की, जिससे वो माउंट होगा, और
अभी हमारा भाई ये सब में हेल्प कर रहे क्योंकि वो एक्सपीरियंस पर्सन है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी कावासाकी ZX 10R आ रही है भाई। मैं तो H2 लूंगा, उसके नीचे तो बात नहीं करूंगा भाई, H2R ले लूंगा, सेटिंग है मेरे ऊपर तक भाई, सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया। मैंने अपने लिए GoPro लेके आया है, ठीक है, तो आवारा भाई के यहाँ पे जो GoPro वाला जो बंदा है वो बहुत ही मस्त है, तो मैंने सोचा आवारा भाई से मस्त और सस्ता में दे रहा है, तो मैंने बोला कि आवारा भाई के यहाँ से ही मंगवा लिया, क्योंकि गाइस सस्ते में जो चीज मिल रही है क्यों छोड़े भाई। पहले तो मैंने एक GoPro, मेरा जो GoPro था 10 वो घुमा दिया, गुम हो गया, अब दूसरा लिया, अब इसको मेरे को संभाल के रखना है बस भाई। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे GoPro अनबॉक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर साबुन की वड़ी लेके आए हो। ऐसा नहीं हो सकता भाई, पैसे दिए मैंने इसको, अगर ऐसा किया ना साले को, और भाई निकला ना पैसे भाई मेरे को वापस, मेरे को रिफंड कर देना, तुम तुम्हारा देख लेना। अरे हो ही नहीं सकता, निकले यार, मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस बच्चे। गाइस देखते हैं मेरे को भाई, पत्थर ना निकले, बस साबुन तो नहीं निकले, बहुत अच्छा ऑफ में लेके आया, तो भरोसा नहीं हो रहा है कि सही में इसमें GoPro होगा या नहीं। अच्छा वैसे इसमें पत्थर हुआ तो नहीं, चाइनीज हुआ तो ये GoPro नहीं, चाइनीज होगा तो चलो ठीक है, लेकिन यूज कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साला पत्थर हुआ तो क्या यूज कर साबुन क्या लगता है आपको मैम, पत्थर भी काम आएगा पता है, कैसे ऐसे फेंकने के लिए। भाई सस्ते में मिला इसलिए डाउट है भाई, और भाई हाँ नहीं है इसके अंदर कुछ भी, सही में नहीं है, भी नहीं है। भाई यार तो सही भाई, मेरे को डरा दिया भाई तुमने, तो हरामी हो बेटा। अब इस GoPro को गाइस हम लोग हेलमेट पे लगाने वाले, देखते हैं किस तरीके से लगता है, कुछ दिन अपन लोग बुलेट पे ये करेंगे, फिर उसके बाद में सुपर बाइक आएगी अपनी, तो फिर उस बाइक पे भी व्लॉग बनाएंगे गाइस। आप लोग इस वाले व्लॉग को ना 25,000 लाइक्स, और भाई इतना तो 25,000 लाइक्स गाइस, ये तो कम है यार, 40 तो बनता है, 40 हो जाएगा, सुपर बाइक आ रही है, तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। अभी हमको बहुत सारे बाइक्स देखने दिल्ली में, खास में उस वजह से आया हूं, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, देखो भाई कितने सेक्सी है भाई, 80,000 के शूज है भाई, 80,000 से तेरा घर जाएगा इसके अंदर। और गाइस यहाँ पे मैं शूज़ वगैरह सब लेंगे यहाँ पे अपने निंजा बाइक पे, अगर निंजा लेता हो तो ये वाले सूट करेंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि कौन सी बाइक लो, फिलहाल के लिए अभी हम लोग कावासाकी के अंदर भी जाने वाले, आपको दिखाऊंगा बाइक्स, फिलहाल के लिए ये भी सूट्स भी है, वो सूट्स भी आराम से लेंगे, क्योंकि अपन लोग जो है बाइक के लिए अब शायद से 3-4 दिन के बाद में बुक भी कराएंगे अपनी बाइक, तो बाइक आने में टाइम भी लगेगा, लेकिन कौन सी बुक कराएंगे अभी मैं ढूंढ रहा हूँ। शाम को जो है मैं डुकाटी दिखाऊंगा आप लोगों को, डुकाटी भी दिखाऊंगा कि भाई कैसी बाइक है, और कमेंट जरूर करना आपकी फेवरेट बाइक्स कौन सी है कमेंट सेशन में, कौन सी बाइक मैंने लेनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, ठीक है। आवारा भाई को तो निंजा ZX 10R पसंद आई है, देखते हैं आवारा भाई भी कौन सी लेंगे, दोनों साथ में उठाएंगे बाइक, लेकिन कौन सी उठाएंगे देखते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए गाइस यहाँ पे बहुत सारे हेलमेट थे, तो मुझे ये वाला हेलमेट पसंद आया, तो ये वाला डन कर दिया है, ठीक है, तो अभी इसके ऊपर GoPro वगैरह लगाएंगे। गार्ड है, अगर आप लोग गाड़ी के ऊपर से गिर जाते हो तो गाइस आपको लगे ना, इसलिए गाइस ये लगाते हैं शायद से, ये वही चीज़ लग रही है मेरे को, हम मेरे को समझ में नहीं आ रही क्योंकि पे जैकेट देख रहे हैं तो लग रहा, हाँ बहुत ज्यादा पतले लग रहे हो आवारा भाई, और ऐसा इधर पीछे टर्न मार, अबे ये क्या है मेरे पे हंस रहे थे भाई, हाँ इतना बड़ा नहीं नहीं वो बम बचाने के लिए आवारा भाई, जब गिरोगे ना खत्म एकदम कंफर्टेबल हो जाए ना, वरना खिसक जाएगी नीचे चड्डी, कहाँ से भाई चड्डी बीच में, वरना ये पहनने के बाद वो नीचे खिसक जाएगी, चड्डी तो लोल हो जाएगा, वरना वो देखा है ना वो राइडर जो एकदम मतलब पीछे से वो पिछवाड़ा दिखता है उसका, देखा है आपने, तो पिछवाड़ा ही दिखा के मारोगे आज सभी शूज पहना के रखा है, चलने में दिक्कत हो रही है मुंह देखो भाई आवाज तो क्या सिखा रहे, वहाँ पे पता चले वहाँ पे जाके गिर जाए भाई, मेरे को नहीं पहनना भाई, मेरे को नहीं लेनी भाई ये चीजें, लेकिन सेफ्टी वाली बात है ना, तो गाइस लेनी पड़ती है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, तो गाइस मैं भी ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे, और देखते हैं भाई ये बहुत मतलब टाइट एकदम मतलब हैवी सा लगता है, कुछ भी भाई ये गाइस सोने का इसको हम बेच करके ना आईफोन लेंगे, आईफोन 14 प्रो मैक्स आ जाएगा इससे मेरा, दो तीन से ज्यादा आ जाएगा, सच में अगर नहीं आया ना तो इसी को मैं रख दूंगी आईफोन वाले शॉपर की, ले लो इसको, मेरे पीछे तो पता नहीं कितने आईफोन आ जाएंगे, हाँ जलवा है हमारा। तो चलो फाइनली हमारे नयन भाई ने भी पहन लिया अपना जैकेट,
सही लग रहा है गाइस, एकदम मस्त लग रहा है। आप दोनों एकदम जुड़वा जुड़वा लग रहे हैं, पता है। आप बस एक बाइक ले आओ मस्त वाली उधर, उसके बाद राइडिंग के। हाइट फिलहाल मेरे को ना ब्लॉगिंग में तो आपका लग रहा, रियल में भी आप ही लग रहे हो आप। नहीं नहीं, बस एक एक उंगली का फर्क है, एक दो उंगली का। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। GoPro के लिए जो है यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर स्पेस दे रखी है, और कोई भी इस तरीके से जो है GoPro कनेक्ट होता है हेलमेट पे। और आवारा भाई पूरा रेडी हो चुके हैं, मैं भी पूरा रेडी हो चुका हूँ। कमेंट करके बताना कि गाइस ये कैसा लग रहा है सूट, ठीक है। अभी अभी फिलहाल के लिए गाइस जींस वगैरह भी देखूंगा मैं, ठीक है, लेकिन आराम आराम से लेंगे सारी चीजें। सो गाइस अभी हम लोग जो है बाइक्स देखने के लिए जाने वाले बस कावासाकी में, ठीक है। तो आवारा भाई क्या आप रेडी हो देखने के लिए? आवारा भाई ने पूरा सूट ले लिया है, ठीक है, और हम लोगों ने हेलमेट जो है सेम ले लिया है, ठीक है, क्योंकि सेम हेलमेट जो है भाई आप। यार मैं तो कह रहा हूँ यार आप दूसरा ले लो, मैं ये नहीं 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 ये नहीं चलेगा भाई, नहीं नहीं नहीं। मैंने पहले सिलेक्ट किया, आपको पसंद था, ठीक है, आपने बोला ये ले लो नयन भाई, आपको ये भी पसंद आया, तो आवारा भी यही ले रहे। आवारा भाई पहले से था, मैंने इतना खर्चा कर दिया ना तुम्हारे पास। मैं एक बात बताऊँ, तुम्हारे पास पैसा ज्यादा हो गया क्या भाई? तुम्हारे पास पहले से हेलमेट है 80,000 के जूते है भाई, 80,000 के नहीं, ये पूरे भाई पूरा 1,00,000 के ऊपर पहन लिया भाई आवारा भाई ने। और मैंने जो है गाइस यहाँ पे 1.5 लाख के ऊपर पहना हुआ है गाइस। तो इस व्लॉग को 25,000 लाइक्स आप लोग जरूर पूरे करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। फीलिंग हो रही है अभी, टेंशन आ रहा है कितना होगा क्या होगा तो पूरा बहुत बड़ा वाला ये हो रहा है, ज्यादा इन्होंने लिया है, मेरे को भी टेंशन आ रखा है भाई कितना लूटेंगे भाई। अब भैया हमें भैया ऑफर लगाना भैया, ठीक है, गरीब लोग है भैया हम। अच्छा हमको सिखा रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं कावासाकी में बाइक देखने के लिए। फाइनली गाइस इतनी सारी शॉपिंग कर ली है गाइस हम लोगों ने, और मोटा मोटा बिल कितना बना आवारा भाई आपका बताओ? मेरा तो कुछ 15,000 के आसपास बना है, और आवारा भाई का 30,000 के आसपास, 25-30 के आसपास में बना है। तो भाई अब हिसाब करना पड़ेगा, घर वालों को भी हिसाब देना पड़ेगा मेरे को। चलो शाबाश, मैंने जो गाइस 900 लिए है, बंदा बहुत ज्यादा खुश है। और आवारा भाई अपने को कौन सी लेनी है? तो गाइस आने के बाद मेरे को तो मेरा भी मन हो रहा है गाइस, क्योंकि मेरे को ना और दूसरी बाइक भी पसंद थी, लेकिन गाइस ये वाला देखा ना मैंने, देखने के बाद दिमाग खिल जाता है भाई, ZX10R गाइस। तो ये वाली ZX10R मेरे भी यही, इन दोनों में कंफ्यूज हूं गाइस। ये इसका क्या नाम है आवारा भाई? SX1000। तो गाइस ये भी पसंद आई है मुझे, और ये भी पसंद आई है। ये है शायद से कुछ 12 लाख है ना, समथिंग 12 लाख के आसपास है, और ये जाएगी कुछ 19 तक, पूरा मिला के 18-19 तक। तो गाइस मैं अभी पूरी गाड़ी दोनों आप लोगों को अच्छे से दिखाता हूँ, लेकिन भाई मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ अभी फिलहाल के लिए। डुकाटी वगैरह सब कुछ देखेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ फिर ना मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी बाइक लूँ, और आवारी मैम को जो ये वाली बाइक पसंद आई है आवारा भाई। हाँ अभी दिला रहा हूँ, सच में दिला रहे हो? सच में दिला, वो तो गुस्सा हो गई है आपसे, बैठे भी दिला रहा हूँ। ये वाली गाइस ये वाली बाइक है, ये कौन कितने सीसी की आवारा भाई है? 650 है ये, लेकिन भाई इसकी भी तगड़ा आवाज़ करेगी भाई। भाई सब गाइस आप लोग देख सकते हो, लेकिन भाई ZX10R जो है गाइस वहाँ पे खड़ी है, और वो उसको निकालने के लिए लगाएंगे हम लोग, और अच्छे से देखते हैं फिर सोचते हैं कि क्या लेना है गाइस, कौन सी बाइक लेनी है। जो ZX10R है वो निकल चुकी है भाई साहब, क्या ही ओपी बाइक है गाइस, और मेरा मन हो रहा है कि गाइस यही लूँ, अलग ही लेवल गाइस, मेरे को लिटरली लग रहा है कि गाइस यही लेना चाहिए। मैम आपको क्या लग रहा है? आवारा भाई ने तो गाइस यही बुक कर रही है, उनको इतनी पसंद आई है। तो गाइस मैं फिलहाल के लिए अभी भी मेरे मतलब अरमानों पे कंट्रोल कर रहा हूँ, और अभी भी गाइस मैं 2-3 बाइक्स और देखूंगा, क्योंकि मेरे को डिकवाटी वगैरह बहुत पसंद है उसका लुक, और देखा जाए तो, लेकिन अगर परफॉर्मेंस में देखा जाए तो हर इसमें ये वाली बाइक बेस्ट है गाइस स्पीड वगैरह में, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं हर जगह से दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये वाली ZX10R है, और ये वाली दोनों भी 1000 cc की है, लेकिन ये स्पोर्ट्स बाइक है, और ये आती है नॉर्मल बाइक के इसमें, और इसमें भी गाइस मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि भाई कौन सी लू करके। ओके भयंकर आवाज, धुआं भी निकल रहा है भाई, क्या भयंकर आवाज इसका, बहुत ज्यादा भयंकर आवाज है गाइस, सीरियसली। ओके गाइस एक बार मेरे को भी करके देखना है, क्योंकि भाई फील तभी होता है बाइक का तब आप ये करके देखते हो, भाई कसम क्या आवाज है इसकी, मजा आया। कैसी लगी बाइक मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और अभी मैं और भी बाइक्स दिखाऊंगा आप लोगों को। और अभी अभी इस बाइक की डिलीवरी हो रही है गाइस, ये बाइक भी बहुत सेक्सी है, ये 900 है, निंजा 900 ZX10R, और ये है निंजा ZX10R, और
भाई अभी हम लोग निकल रहे हैं फिलहाल के लिए, तो हमारा भाई ने तो बुक कर दी है और मैं सोच रहा हूँ कि कौन सी बाइक करूँ। आज शाम को हम लोग डुकाटी देखने जाएंगे, तो डुकाटी भी देखते हैं फिलहाल के लिए। और भाई मज़ा आ गया भाई बाइक्स देख के। और ये बाइक में भी गाइस मैं कंफ्यूजन में हूँ, क्योंकि ये बाइक जो है फैमिली टाइप के लिए सही है। ये वो वाली बाइक तो स्पोर्ट्स बाइक है, उस पर एक ही बंदा बैठ सकता है और पूरा आड़ा लगेगा, लेकिन मेरे को वो लेने का मन है गाइस। आप लोग कमेंट करके बताना अगर दोनों में से कौन सी बाइक लूँ, और भी बाइक्स जितनी भी बाइक्स है हायाबुसा से लेकर सारी बाइक्स, अपनी फेवरेट बाइक कमेंट करना ज़रूर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान हो रखा है, यहाँ पे फट गई है पूरी कुली बन रखी है। और अभी गाइस हम लोग यहाँ पे पुणे से बाइक लेंगे अगर ली तो, क्योंकि यहाँ से दिल्ली में बस बाइक्स देखने के लिए आया हूँ। और मतलब बाइक्स जो है जहाँ से मैं नहीं उठा सकता, आपको पता है स्टेट स्टेट का मैटर है, आरटीओ का टैक्स वैक्स का, तो यहाँ पे से अगर मैं लेके जाता हूँ तो वहाँ पे मेरे को टैक्स मतलब नहीं हो पाएगा वहाँ पे, तो ये मना कर रहे हैं लोग। आप बोल रहे, वो लोग बोल रहे हैं कि पुणे जाके या फिर मुंबई जाके ही आप लो महाराष्ट्र में अगर आपको बाइक चलानी है तो देखते हैं। फिलहाल के लिए अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं दूसरी बाइक्स देखने, और नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को डुकाटी का व्लॉग आने वाला है, डुकाटी कैसी लगी। ठीक है, आप लोगों ने इसका एग्जॉस्ट वगैरह देख ही लिया, अब इसको देखो गाइस, इसको भी मॉडिफाई कर रखा है उन लोगों ने। अब ये बंदा जो जा रहा है उसको भी मॉडिफाइड है, तो इसको पुलिस पकड़ेगी भाई, है ना, पकड़ेगी। और जो हमारे ZX10R का है ना, उसको पुलिस नहीं पकड़ेगी क्योंकि वो मॉडिफाइड नहीं, वो कंपनी से, तो वही चलाएंगे हम लोग। और लेना है तो ZX10R ही लूंगा, या फिर कोई और बाइक पसंद आती है उससे भी तगड़ी तो लूंगा। Not bad. यहाँ पे पाव भाजी, रसमलाई और यहाँ पे नान पूरी वगैरह भाई बहुत सारा खाना है। मुझे तो बहुत गंदा वाला भूख लग रहा है। और भाई भयंकर लगी थी ना भाई, आपके लिए चैलेंज है। सुनो सारा खाने का बोलो। नहीं सारा नहीं खाना है, ये एक साथ मुंह में डालना है पूरा एक साथ। यार इतना बड़ा मुंह नहीं है भाई। 10 लाख बंदे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। वाह मोदी जी वाह वाह। So guys, आप लोग इनको पहचानते हो, हम लोग किन के घर आए हैं गाइज। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारे करण सर, जो फ्री फायर के पहले एडमिन हुआ करते थे और अभी जो है इन्होंने फ्री फायर छोड़ दिया है। और कैसा लग रहा है आपको? बस बहुत बढ़िया। गाइस बहुत टाइम के बाद मिलने को मिला। हम लोग ऐसे इवेंट में मिलते थे फ्री फायर के, लेकिन आज जो है पर्सनली मिले, क्योंकि गाइज आपको पीछे कुछ दिख रहा है। गाइज यहाँ पे आपको अगर इस चीज का, इस बाइक का, डुकाटी का अगर नेक्स्ट व्लॉग चाहिए, ठीक है, तो इस व्लॉग को 50K लाइक्स कंप्लीट कर दो गाइस, ठीक है, 50K। हाँ। और इसने इतना खतरनाक कलेक्शन, भाई ये सूट जो है ना भाई, ये सूट, ठीक है, ये सूट ही 1 लाख का है भाई पूरा, ठीक है, और वो हेलमेट 1 लाख का है, ग्लव्स 1 लाख का है भाई। ये मतलब आप क्या, मतलब आप प्रोफेशन क्या करना चाहते हो, रेसर बनना चाहते हो? क्यों हिला डाला ना। तो बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ नेक्स्ट व्लॉग चाहिए गाइस डुकाटी का तो कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना। मिलते हैं ऐसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।